नमस्कार दर्शकों, इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं वो काशी विश्वनाथ के पास का क्षेत्र है। आपको बताते चलें कि काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा नदी तट तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जब सड़क में आने वाले 80 मकानों को खरीदने का फैसला किया, एक अत्यंत अद्भुत दृश्य जो खुलकर सामने आया। बड़ी बात यह है कि आखिर आज तक किसी की नज़रों में ये क्यों नहीं पड़ा। जब इन मकानों को ध्वस्त किया गया, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन मकानों के बीच में छुपे थे 45 पुराने मंदिर। आपको बताते चलें कि जब औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्ञानव्यापी मस्जिद में बदल दिया, तब उसने अपने कुछ सैनिकों को मस्जिद के आसपास रहने की जगह दी और आसपास के छोटे मंदिरों पर अपना कब्जा कर लिया और इन मंदिरों पर अपने घर बना लिए। आपको शायद याद हो, मोदी जी ने एक भाषण में ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन मुगल सेना के द्वारा किए गए अतिक्रमणकारियों के घरों को साफ कर दिया। और आप देख सकते हैं कि दुनिया को क्या मिला, प्राचीन मंदिरों के 45 खजाने, जिनकी शिल्पकारी आप देख सकते हैं, अद्भुत तरीके से तराशे गए ये प्राचीन मंदिर जो अभी तक कब्जा किए गए थे यहीं के ही कुछ लोगों द्वारा। आप देख सकते हैं कि सालों से बंद ये मंदिर जो लोगों ने अपने क्षणिक स्वार्थ मात्र के खातिर, अद्भुत, आप देख सकते हैं कि बाबा का ये दरबार जो सार्वजनिक तौर पर अब आम जनमानस के लिए इनके आसपास की चार दीवारियां ध्वस्त कर दी गईं,